नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी मार्गदर्शन डॉट कॉम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं हर रोज़ सुबह आपके लिए कुछ नई वैकेंसीज के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक वैकेंसीज निकल के आए RITES की तरफ से। और इस वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इसका अगर पहले हम नोटिफिकेशन नंबर देख लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पेर PRS/Service-10Apprentice/1-220। मतलब ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया और इसका आपको पता चल जाएगा अप्रेंटिस की भर्ती है। यहाँ पे अगर बात की जाए अप्लीकेशन डेट, जो ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट स्टार्टिंग की, तो 15/1/2020 मतलब 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 31/1/2020 मतलब आपको 31 जनवरी तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके अंदर पद कौन कौन से हैं, तो पहले हम आ जाते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के ऊपर। यहाँ पे हमको 14,000 सैलरी मतलब स्टाइपेंड मिलने वाली है। और B.Tech से हमको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल से हमको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसकी जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 7 दी गई। और डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो उसके 12,000 रुपये स्टाइपेंड दी गई और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में दी गई। और इसका जो वैकेंसीज है वो 30 वैकेंसीज है। और नंबर 3 में आता है अपना ITI ट्रेड अप्रेंटिस। इसका अगर स्टाइपेंड की बात की जाए तो 10,000 रुपये काफ़ी अच्छी स्टाइपेंड दी गई यहाँ पे। और ITI पास इन ट्रेड ट्रेड का अगर बात की जाए तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड डिस्प्ले इसके 63 वैकेंसी मतलब 63 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अगर आगे की बात की जाए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कैनुअल सिलेबस पास फॉर ईयर इंजीनियरिंग डैश ईयर ऑफ डिप्लोमा और ITI पास फॉर्म NCVT SCVT, मतलब ITI आपने SCVT या फिर NCVT से कहाँ से भी किया हो तो चलेगा। अगर उसके बाद की जाए तो जो अपनी ईयर, उसके बाद में यहाँ पे और कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया हो, बाकी आपको PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नीचे की साइड पे आपको नोटिफिकेशन नंबर वगैरह सब वैसे ही है। और लोकेशन की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया के लिए लोकेशन आया है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से मतलब 29 जगह पे लोकेशन दी गई है। और यहाँ